हेलो गाइस, देखो ये भी हेलो गाइस बोल रहा है और अभी तक ये रो रहा था बट अभी बोला कि वीडियो बनाना है तो वीडियो बनाने के लिए काफ़ी तेज है तो बैठ गया शांति से। और आज काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ तो आज बनाया था मम्मी ने इडली बनाई थी सांभर चटनी सांभर चटनी तो है ही है बट मेन तो इडली है ना। तो देखो अच्छी है ना और इसका स्वाद अभी देखते हैं, अभी खाया नहीं है इनको और अब इनका स्वाद देखते हैं कैसा है कैसा नहीं। अभी मुझे पता नहीं ना कैसे बनता है तो वही आपको पता है दीदी? नहीं मेरे को नहीं पता, मैंने देखा है यार थोड़ा देखा है थोड़ा बहुत। अच्छा और क्या कहते हैं भाभी ने तो आज बनाया रोज अच्छा लगता है ये आपको अच्छा लगता है नहीं रोज का यार नहीं अच्छा लगता ये खाया नहीं लो खाओ खाओ खा के देखो अच्छा लग रहा है खा लो चावल जैसे है बेटा अच्छा लग रहा है बहुत खा लो खा लो देखो हम खाते पसंद नहीं आई नहीं खाएगा थोड़ा खिला दिया तो खा हम खाते दीदी खाओ बताओ खाओ बताओ कैसा खाते बताओ गाइस अच्छा लग रहा है अच्छी लग रही है गरी वाली मैंने बनाया बहुत टेस्टी मम्मी सांभर वाली जो है ये चटनी मुझे ज्यादा अच्छी लग रही है। और ये नारियल की चटनी इसमें नारियल है और नारियल है और धनिया धनिया मिर्च है। मैं सुबह सो रहा था तो सुबह मम्मी बहुत सुबह उठ के बना रही थी सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ के बना दी थी तो मैं इसकी मेकिंग में दिखा पाया पर मम्मी सारी इंग्रेडिएंट्स पूछ लेता हूँ अगर आपको बनाना होगा तो बना लीजिएगा। वैसे सब लोग को बनाना आता होगा वैसे इडली तो काफी स्वादिष्ट है हमारे। अच्छा पापा को बहुत पसंद थी पहले से तभी बुलाए थे बर्तन और तभी बनाई गई। इसमें तो मक्खी देखो मधुमक्खियों की भी अच्छी लग रही है वो भी खाने चली आ रही है। मेरे छाले पड़े हैं जीभ में मुझे इसको बनाया जाता है चावल पहले भिगो देते हैं और उड़द की दाल भिगो देते हैं धुल करके और फिर इसके बाद चावल और उड़द की दाल पीस करके रख देते हैं बर्तन में बड़े भारी बर्तन में। फिर इसमें नमक डाल दो नमक डाल के थोड़ा सा चम्मच से एक दिन पहले बताओ ना एक दिन रात पहले एक दिन पहले शाम को मतलब पीस के दाल रख देते हैं चावल दाल पीस के शाम को उसमें क्या नमक मिला देते हैं नमक मिला के और बढ़िया फेंट के बंद करके रख दो उसको। देखो इतनी फूली है ना ये गब्बू देंगे जैसे इसमें ना और डाला गया है इनको डाला है हां इनको डाल के बनाया कि ज्यादा अच्छी फूली हुई पेट भी नहीं खराब होगा एसिडिटी भी नहीं होगी इनको। और सुबह जो है इसको मतलब जीरा हो और वो जीरा और सरसों और क्या नाम कढ़ी पत्ता हो तो उसका बढ़िया तड़का लगा दो उसमें और तड़का लगा के बस बढ़िया बना लो इसको। हाँ। ये सब जीरा वीरा ये और फिर ये सांभर बनाने के लिए अरहर की दाल ले लीजिए और सब्जी जो आपको मतलब पसंद हो कोई भी भिंडी बैंगन आलू प्याज लहसुन मिर्च हरे ये सब डालना जाता है इसमें इसको मतलब डाल के पका लो फिर इसको जो है एक कढ़ाई में और उसी में डाल दो। अब चटनी बनाने के लिए अपना नारियल ले लो हरे मिर्च अदरक और हरी धनिया और क्या नाम से ये सब बन डाल के उसमें मतलब मिक्सर में डाल के ग्राइंड कर लो ग्राइंड करने के बाद इसमें थोड़ा सा तड़का लगा दीजिए। मेरी झूम रही पैर हिला रही पड़ी है एकदम मस्त है इसका मतलब काफी टेस्टी है बताने दो मम्मी को बताओ और फिर जीरा और कढ़ी पत्ता से तड़का लगा दो एकदम बिल्कुल टेस्टी बनेगा टेस्टी रहता है खाने में इसको। और आप भी खा के बताइए हमको हम लोग खा रहे हैं देखिए हमको तो अच्छी लग रही है। वो कैसे खाएंगे किसने खाया है मुझे तो बहुत अच्छी लगती है और मैं खाता जाऊंगा इनको भी पूरा प्लेन मैं ही खाऊंगा। पापा ने खाया बहुत पसंद आई पापा को तो वैसे और बच्चे को पसंद आई सुबह उनके लिए नाश्ता बना के दिया था हमने स्कूल के लिए बना के दिया था सभी को पसंद है बस मेरे मंजली वाले लड़की के उसको बच्चे को नहीं पसंद वो बोल रहा था नानी मैं नहीं खाऊंगा इसलिए। इडली वैसे साउथ साइड ज्यादा बनती है अपने भारत में नीचे साइड और इधर साइड कम खाते हैं इडली है ना तो आप ऐसा ट्राई कीजिए और अगर आपको देखना है तो कभी मैं इसकी मेकिंग दिखा दूंगा। वैसे अच्छी है देखो कितनी सॉफ्ट है अच्छी लग रही है स्पंजी सॉफ्ट और फुली फुली भी है मैंने खा लिया है मम्मा एक खा के दो।
लाल नहीं, पूरी फिनिश कर डाली इन लोगों ने। रुक जा अब, खूब भरे दोनों, रुक जा। तो हो गया खत्म, और थोड़ी इडली बच चुकी, बच गई है मेरी, इतनी बची है। चटनी जो है खत्म हो गई वाली, मुझे वो वाली चटनी कम अच्छी लग रही है, तो थोड़ी बची है तो इसको भी खाएंगे अभी। और यार इतनी स्वादिष्ट की सारी इडली खत्म कर डाली सबने, और काफ़ी मज़ा आया। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि किसने किसने इडली अभी तक खाई है, और हमको देख के आगे कौन कौन अपने घर में इडली बनाने वाला है, और किसको किसको पता है किसमें और अभी क्या पढ़ना चाहिए था। हाँ, और इसमें क्या कमी रह गई हम लोगों ने, मतलब क्यों छोड़ी है, शायद किसी को ज़्यादा पता हो कि हाँ क्या डाला जाता है इसमें। वैसे ये तो मेरे हिसाब से तो परफेक्ट है, क्योंकि सबसे बेस्ट लग रही है, इससे अच्छी इडली मैंने कहीं खाई नहीं है। तो प्रूफ है भाई का, ये दोनों चमा चमा मेरी और... कटोरी चम हो गई चटनी तक चार गई पूरी अम्मी, इतनी स्वादिष्ट थी। तो तो आप भी ऐसे हंसते रहिए, खेलते रहिए और खाते रहिए। बाय बाय। इसमें अब पड़ा क्या है, ये ऊपर क्या पड़ा हुआ है, मम्मी क्या है, जीरा है। अरे आपने कहा है कुछ बोल, अब मम्मा कहा बोल, मम्मा कहा बोल देते हैं। हाँ बोल नहीं, ठीक है मम्मी, हल्की सी हंसी हंस सकते हैं।